जिस कांड के लिए भारत पर कर रहे थे शक, गुनहगार निकला चीन। कनाडा के गालों पर करारा तमाचा। जिस कांड के लिए कनाडा भारत पर चीख चीख कर लगा रहा था आरोप, उसकी ही जांच एजेंसी ने खोल दी पोल। कनाडा अपने किए पर हुआ शर्मिंदा, भारत को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। भारत पर शक करने वाले जस्टिन ट्रूडो को उनके ही देश के जांच आयोग ने बड़ा झटका दिया। कनाडा के जांच आयोग ने ट्रूडो के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें वह भारत पर शक जाहिर कर रहे थे। आयोग की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वह काम भारत के नहीं चीन ने किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस काम के लिए भारत पर शक कर रहे थे, अब उन्हें खुद शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर शक करके एक जांच आयोग का गठन किया था, लेकिन जांच आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद जस्टिन ट्रूडो के दिमाग की बत्ती जल गई। आखिर पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? मामला कनाडा में हुए 2021 के चुनावों से जुड़ा है, जिसमें भारत पर हस्तक्षेप करने का बेबुनियाद आरोप लगाकर आशंका की जा रही थी, मगर अब सच्चाई कुछ और ही निकली है। रिपोर्ट में साफ कहा गया, जस्टिन ट्रूडो द्वारा जीते गए 2021 के चुनाव में भारत ने नहीं बल्कि चीन ने हस्तक्षेप किया था। यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह कनाडा की एजेंसी ने ही तैयार की है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को अब अपने आरोपों पर कुछ तो शर्म जरूर आ रही होगी, जो भारत पर बेबुनियाद तौर पर आशंका जाहिर कर रहे थे। पिछले साल सितंबर में भी कनाडाई प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषण के दौरान आरोप लगाया था भारत सरकार सरे में गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थी। यह घटना पिछले साल जून में हुई थी, लेकिन ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन छोड़ने के कुछ दिनों बाद भारत की भागीदारी का आरोप लगाया था। इस आरोप ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों पर एक महत्वपूर्ण असर डाला है। दोनों देशों ने वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और भारत ने कुछ समय के लिए वीजा संचालन रोक दिया था। तब से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कई मौकों पर मुलाकात की, लेकिन राजनयिक क्षेत्र में बहुत कम प्रगति देखी गई। जांच में क्या नतीजा निकला? आरोपों की जांच पूरी होने पर अब खबर आई है, जांच में शामिल अधिकारियों को भारत का कोई एंगल नहीं मिला, लेकिन जांच के नतीजों में पाया गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने चुनावों को प्रभावित किया था। उम्मीद थी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक सरकारी वकील के सामने पेश होंगे। एक चुनाव अधिकारी ने जांच पैनल को बताया, मुझे नहीं लगता कि अभियान में उन उपकरणों का उपयोग करने वाली भारत सरकार के खिलाफ कोई सबूत है। वहीं भारत भी कनाडा के चुनावों में अपने किसी भी हस्तक्षेप के आरोप को खारिज कर चुका है। भारत के सामने हुआ शर्मिंदा। अब कनाडा को काफी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जिस कांड के लिए भारत पर चीख चीख कर आरोप लगा रहा था, अब उसकी जांच एजेंसी ने ही पोल खोल दी। चीन को ठहराया गुनहगार, यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है। इस वजह से दुनिया भर में भारत पर उठ रहे थे कई सवाल, अब दुनिया को भी मिल गया जवाब। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।